हाँ तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, बनाने वाले सेशन को हम। ठीक है, सेशन है हमारा सॉलिड स्टेट। और जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो डर है उसे करने वाले हैं बिल्कुल खत्म, एकदम टाटा बाय बाय। ठीक है, अब देखो सॉलिड स्टेट हमने छोटी क्लास में पढ़ाई हुआ है तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत रिविजन कर लेंगे, थोड़ी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, जो हमारे डॉट्स हैं उन्हें कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर सेशन आप कहीं खोज रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट सेशन फॉर यू, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो चलिए दोस्त, करते हैं शुरुआत सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले बात आती है, हम सॉलिड किसे बोलेंगे? ठीक है, कौन सा मटेरियल को हम सॉलिड बोलेंगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? उस सब्सटेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, तभी तो मैं उसे बोल दूंगा कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। ठीक, जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है, ठीक है, इसे मैं कब बोलूंगा कि ये सॉलिड है? जब इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करती होंगी तभी हम इसे सॉलिड बोलेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे किन चीज़ों को हम सॉलिड बोल देंगे। ठीक है, आ जाइए लिख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को कह रहा चल जाएगा ना, जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? ठीक है, सॉलिड का क्या होगा? सबसे पहले देखिए, एक डेफिनेट शेप होगा। डेफिनेट क्या होगा? शेप होगा। ठीक, डेफिनेट शेप होगा या डेफिनेट मास भी होगा। ठीक, डेफिनेट मास है और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म चल जाएंगे ना। ठीक है, अब देखो कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमें देखने से लग रहा है कि उसका एक परफेक्ट शेप है, एक डेफिनेट शेप है और उसका कुछ मास है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये क्या हमारे पास सॉलिड है, ये सब्सटेंस जो भी हमारे पास है वो सॉलिड है। ठीक है, अब बात आती है इसकी थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। अब इंटरमोलिक्यूल, जैसे हम इसके पार्टिकल्स हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिस चीज़ से मिलकर ये सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, इसकी बात आती है तो उसके लिए हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स की। हाँ जी, इसे भी लिखते हैं इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक, जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, कितना उसमें स्पेसेस है, वो सब चीज़ देखते हैं। अब देखो, जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं, अगर वो क्या है सॉलिड में, क्या होते हैं कि वो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम हैं। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या हैं? बहुत कम हैं, यानी कि बहुत पास हैं। इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस हैं वो क्या बहुत ही लो है, बहुत कम है। ठीक, तो यानी कि बहुत पास पास है। अब अगर वो बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत हाई होगा। अगर फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होगा, जैसे रिपल्सिव हो गया, तो क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस होगी कुछ, तो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी ना अगर रिपल्सिव है तो। अब अट्रैक्टिव है तो क्या होगा, जो उसके बीच के स्पेसेस है वो कम हो गए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्योंकि बहुत हाई होगा। ठीक है, यानी कि हम बात कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बारे में। इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स कैसे हैं, जो उसके बीच का स्पेसेस है, जो जो पार्टिकल के बीच की स्पेस है वो बहुत कम है, और स्पेस कम है इससे हमें क्या पता चला कि उनका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तभी तो पास पास है ना। ठीक है, दो चीज़ हमें क्लियर होगी। अब अगर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो कंप्रेस नहीं हो सकता, यानी क्या होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा। तो इसके बाद हम एक चीज और लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल यानी क्या होगा, रिजिड लिख सकते हैं उसे। ठीक है, कैसा होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की हमारे पास मिलती हैं या हमको मिलती हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्या है ना, ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है मान लो। ठीक है, अब इस सब्सटेंस में ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब देखो इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस है वो बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत पास पास भरे पड़े हैं। ठीक है, बहुत पास पास है। अब अगर ये बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत हाई है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि बहुत टाइटली बाइंड है अट्रैक्टिव फोर्स से, और अब इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, यानी कि है नेग्लिजिबल एकदम। ठीक है, और वो इनकम्प्रेसिबल है। अब इनकम्प्रेसिबल है तो रिजिड है।
ठीक है, लेकिन एक खास बात और है, अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट कैसा होगा, यानी कि मूव तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इतने फ्री हैं कि वो अपनी किसी एक्सिस के अलावा वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जो एक पार्टिकल है वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है किसी एक्सिस के अलावा, या लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन, ठीक है, यानी कि क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। अब वाइब्रेट मतलब क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, जो किसी भी एक्सिस के अलाउंग या मीन पोजीशन के अलाउंग जो मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन, यानी कि एक पॉइंट के अलाउंग यानी कि एक मीन पोजीशन के अलाउंग वो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और मूवमेंट बहुत छोटा होगा इसलिए वाइब्रेशन होगा, ठीक है। अब आ जाओ इसी के पार्टिकल, इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स के ही अकॉर्डिंग इसे फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, कि किस टाइप से ये अरेंजमेंट है, जो इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स है ना वो कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, आ जाओ वो चीज़ भी देख लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ठीक, कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे कैरेक्टराइज्ड हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, दो टाइप की क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन है, एक वो क्रिस्टलाइन, यस ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्रिस्टलाइन हम कब कहेंगे और कब इन्हें अमॉर्फस कहेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं इसमें शेप की, आ जाइए शेप, शेप ठीक है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसका शेप कैसा होगा और अमॉर्फस है उसका कैसा शेप होगा, ठीक। इसमें क्योंकि डेफिनेट ज्योमेट्री होगी क्रिस्टलाइन की, क्रिस्टलाइन की ज्योमेट्री कैसी होगी, डेफिनेट, डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री से मतलब है कि क्या होगा, जो उसका शेप होगा वो रेगुलर होगा, शेप कैसा होगा, रेगुलर होगा, रेगुलर, यानी कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर होगा, ठीक है। और वही बात अगर अमॉर्फस की करते हैं तो अमॉर्फस क्या होगा, इससे कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इरेगुलर शेप, इसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, शेप कैसा होगा, इरेगुलर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है कैसा अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, किसके अंदर, सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड है सॉलिड के अंदर। ये हम इंटरमोलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, जो इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स है ना, जो से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी जो शेप होगा यानी कि जो क्रिस्टलाइन का शेप होगा, जो अमॉर्फस का शेप होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन की तो डेफिनेट ज्योमेट्री है तो रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, और अमॉर्फस की क्या है, इरेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है, तो कैसे हो गए, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है तो कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, इरेगुलर हो गया, ठीक है। आ जाओ दूसरी बात आती है क्लीवेज की, ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं क्लीवेज, 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 ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को यानी कि किसी भी सॉलिड को अगर हम कट करते हैं, अगर वो सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो किसी भी, हमने क्या किया, किसी भी शार्प एज टूल से अगर हम उसे कट करते हैं तो क्या होगा, हमें जो कट करने के बाद जो दो पीसेस मिलेंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो सरफेस होगी जिसके अलावा वो कट किया गया वो बहुत स्मूथ होगी, ठीक है। क्लीवेज यानी कि कट करने के बाद किसी शार्प एज टूल से हमें जो सरफेस मिलेगी वो प्लेन सरफेस मिलेगी, किसमें, क्रिस्टलाइन में, आइए इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सरफेस मिलेगी, ठीक है, लिख लेते हैं वेन कट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वेन कट विद अ शार्प एज टूल, शार्प एज टूल, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी को शार्प, किसी भी सब्सटेंस को शार्प एज टूल से कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो सब्सटेंस में क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, टूल, इट स्प्लिट इनटू, इट स्प्लिट इनटू क्या होगा, टू पीसेस विथ स्मूथ सरफेस, ठीक है, सरफेस कैसी होगी उसकी, स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब अरेंजमेंट रेगुलर है तो अगर हम उसे कट करेंगे तो हमारे पास कैसे मिलेगी, स्प्लिट होगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस से। वहीं अगर हम अमॉर्फस की बात करते हैं, अगर हम अमॉर्फस सॉलिड को क्या करेंगे, एक शार्प एज टूल से कट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इरेगुलर सरफेस मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इरेगुलर, इरेगुलर सरफेस मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा, ऐसे हो सकता है कि बहुत खुरदुरा सरफेस मिले या वो क्या होता है, पीसेस में बिखर जाए, ठीक, ये सब चीज़ किसकी प्रॉपर्टी, अमॉर्फस, अमॉर्फस यानी कि जब हम उसे कट करेंगे तो हो सकता है कि क्या हो, कि ये खुरदुरा हो कोई सरफेस जब हम उसे कट कर रहे हैं,
ठीक, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक, तो क्या वो खुरदरा हो सकता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या वो एक पीसेस में टूट जाए, ठीक है, बिखर जाए, मतलब छोटे छोटे पीसेस में, ठीक। दूसरी बात इसमें हम कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम इसमें इसके मेल्टिंग पॉइंट की या हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एम पी मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और यहीं पर साथ भी लिख देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन एच ओ एफ, ठीक है, चलेगा हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एम पी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और एच ओ एफ मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। देखिए इसे भी देखते हैं, अब देखो क्रिस्टलाइन है, अरेंजमेंट रेगुलर है, तो यानी कि दो जो हमारे पास इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे अंदर पार्टिकल्स हैं, वो क्या है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, तो रेगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या होगा, वो जो उनके बीच के डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिएगा अगर वो बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, ठीक है, यानी उसे तोड़ना है, क्लीव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद वो सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या एग्जैक्ट सेम क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट है तो उनकी बॉन्ड लेंथ या सेम होगी बिल्कुल। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, जो फोर्स से उन्होंने बाइंड किया हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, डेफिनेट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, और अच्छा होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और यहीं पर अगर हम साथ साथ हीट उसके भी लिख लेते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन की, वो कैसे होगा, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी इसके पास, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एच ओ एफ लिख देते हैं इसे भी, ठीक है, क्या होगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, यानी कि एक टेम्परेचर के बाद ये सारी चीजें टूट जाएंगी, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एमोर्फस की बात आती है तो क्या होगा, यहां पर डेफिनेट नहीं होगा, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, डेफिनेट नहीं होगी। और जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब क्योंकि इसमें देखो कुछ बॉन्ड पास हैं, कुछ बॉन्ड दूर हैं, अब जो बॉन्ड दूर हैं वो तो एक टेम्परेचर में जल्दी कम टेम्परेचर में टूट जाएंगे, अब जो बॉन्ड पास हैं वो क्या होंगे, उन्हें ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा ब्रेक करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, इसलिए क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन इसकी एक पर्टिकुलर रेंज, इसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा, इसकी क्या होगी, रेंज होगी, रेंज ऑफ टेम्परेचर कह रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे ना आप। जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन में क्या है, सब में मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉन्ड टूट रहे हैं तो सारे एक साथ टूटेंगे, लेकिन वहीं अगर बात एमोर्फस की आ जाती है, वहां पर क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, कहीं पर तो बॉन्ड बहुत पास है, बहुत नजदीक है, और कहीं पर बहुत दूर है, जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि बॉन्ड के बीच का अट्रैक्शन है बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, ठीक है, तो यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो कोई बॉन्ड तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, यानी कि कोई मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहा है, अब कोई बॉन्ड बहुत पास है वो क्या होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, तो उसे 200 डिग्री सेल्सियस भी चाहिए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एमोर्फस क्रिस्टल है हमारे पास, जो एमोर्फस हमारे पास क्या है, सॉलिड है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए, जैसे कोई बॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस पे टूट रहे हैं तो कोई 200 डिग्री सेल्सियस तक भी टूट रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइन का, और एमोर्फस के लिए हो गया हमारे पास, हम लिख सकते हैं मेल्ट या सॉफ्टन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, लॉन्ग रेंज लिख देते हैं, ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर, लॉन्ग रेंज, ठीक है, टेम्परेचर की लॉन्ग रेंज पे क्या होगा, ये सॉफ्टन होंगे, ठीक है, यानी कि उसके बाद टूट जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो क्रिस्टलाइन सब सॉलिड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है उन्हें, ठीक है, रेड कलर से लिख लेते हैं इसे थोड़ा, ठीक है, जो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, कोशिश करता हूँ यहीं पर सब आ जाए, ठीक है, ट्रू सॉलिड। और जो एमोर्फस हैं वो कैसे हैं, उनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड के नाम से, यानी कि फॉल्स सॉलिड, सूडो मतलब फॉल्स, सूडो सॉलिड, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, सूडो है। और इसे कभी कभी कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या बोलते हैं इसे, सुपर कूल्ड लिक्विड, इसे भी लिख लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। अब लिक्विड है तो उसकी टेंडेंसी टू फ्लो होगी, यानी कि ये फ्लो करेगा,
लेकिन सुपर कूल्ड है, ऐसा लिक्विड जो बहुत ही स्लोली, जिसकी टेंडेंसी टू फ्लो बहुत वेरी स्लोली, बहुत ही स्लो मूव करेगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, ग्लास होते हैं ना जो खिड़की पे विंडो पेंस पे लगे होते हैं ग्लास, वो क्या करते हैं कुछ सौ साल बाद या कुछ हज़ार साल बाद क्या होता है, उनके बीच में जो सरफेस एयर है मिरर की, वो क्या होती है, जो ग्लास लगा हुआ है हमारा उसके पास, वो क्या होता है बीच में पतला हो जाता है, बीच में थिन हो जाता है, और जो एजेस होती हैं वहाँ पर क्या होता है, थिक हो जाता है। यही उसका रीज़न है, क्योंकि क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो जो हमारे पास क्या होता है, ग्लास होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, मेल्ट होने लग जाता है ओवर टेम्परेचर, जो टाइम होता है और टेम्परेचर होता है, बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो जमना शुरू होता है नीचे को। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ तो हमने पढ़ी है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ये सब चीज़ हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ ली है, एक बार बस थोड़ा बहुत कनेक्ट हो गया। अब देखो छोटी क्लासेस में हमने जहाँ भी पढ़ा एमॉर्फस के बारे में बहुत कम चीज़ें पढ़ी, क्योंकि क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो यानी कि इसको पढ़ना थोड़ा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने जहाँ भी अभी तक बात की, यानी कि छोटी क्लासेस में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी अभी तक, वो सारी क्रिस्टलाइन की थी। ठीक है, जितना भी चीज़ हमने पढ़ा वो सब क्या था, क्रिस्टलाइन का था। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने किसके बारे में पढ़ा, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, वो किसका था, क्रिस्टलाइन का था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, वॉइड्स के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ें हमने, कैसे इनको ऊपर रखा गया, HCP CCP ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, वो सब चीज़ें किसमें थी, क्रिस्टलाइन की थी। एमॉर्फस के बारे में हमने ऐसी चीज़ अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि इसको पढ़ना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन अब जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, यानी कि हम क्रिस्टलाइन भी पढ़ेंगे और एमॉर्फस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है हमें, आइए देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस है हमारा CBCS के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो CBCS आया है उसके अकॉर्डिंग है हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस लिख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो भैया, जो CBCS के अकॉर्डिंग सिलेबस है हमारा, वो कुछ इस टाइप से है। सबसे पहला जो उसमें लिखा गया है वो है सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ठीक, कॉमा क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिसिटी। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे भी हम क्या करेंगे दो पीसेस में तोड़ देंगे, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों में पढ़ लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन को एक टाइप में पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट है नॉन स्टाइकोमेट्री को एक अलग उसमें पढ़ लेंगे। तो भैया हम इसे अलग टाइप से तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं कुछ सिलेबस को। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट रिएक्शन में, सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक, हमें क्या पढ़ना है सॉलिड स्टेट रिएक्शन में, वो चीज़ें लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, वेट ठीक है, आ जाओ। देखो सॉलिड स्टेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, क्या क्या इनके जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेंगे हम इसमें। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कैसे बना हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका को प्रिसिपिटेशन। ठीक है दोस्त, को प्रिसिपिटेशन एज अ प्रीकर्सर ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। रिएक्शन को एक्सेल में चलेगा। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें हमें पढ़नी है सॉलिड स्टेट रिएक्शन के अंदर। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट एंड स्टोइकोमेट्री के बारे में। ठीक, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो वो भी लिख लेते हैं। सब टॉपिक हमारा एक तो हो गया, ठीक है, एक सॉलिड स्टेट हो गया, रिएक्शन हो गया, हमने जो सब टॉपिक बना लिया इस टॉपिक का, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आ जाओ, क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक हो गया हमारे पास क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्री। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे,
ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाओ देखते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल एंड परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। किन क्रिस्टल्स को हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे और किसे हम इम्परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी बात, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट, एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी क्या पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, इसमें भी क्या पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन एंड प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की बात होगी, अब आ जाता है क्या, लाइन एंड प्लेन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। और अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसीज जिसमें हम पढ़ेंगे शॉटकी, SCHOTTKY, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। यही सारी चीजें जो हमने इसमें कवर करनी है, ठीक है। ये लो, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिसिटी में, नॉन स्टोइकोमेट्री में, ये हमारे पास चार टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सबके भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमने टॉपिक का तो सब टॉपिक दो बना दिए थे ना। ये देखिए, हमारा टॉपिक था सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, और उसमें पढ़ना था सॉलिड स्टेट रिएक्शन में हमने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया छोटी चीज़ों में, मतलब इसे और छोटा बना दिया था। सॉलिड स्टेट रिएक्शन में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, जनरल प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड को प्रेसिपिटेशन एज अ प्रीकर्सर टू सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हम इसका सब टॉपिक बनाया था हमने, जो क्या बनाया था, क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिसिटी या नॉन स्टोइकोमेट्री, उस चीज़ उसमें हमने क्या पढ़ना है, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्री में परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, उसमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट्स, वैकेंसीज के बारे में पढ़ना है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया और फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी हमारे पास सेशन है, इसको इससे ज़्यादा ना लंबा करते हुए यहीं पर क्विट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हम लेक्चर्स पढ़ते हैं अपने, फर्दर जो हमारे पास सेशन होंगे, ठीक है, उनमें कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।